गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल शिविर टाइनी वर्ल्ड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप गुड़गांव के आसपास कौन से एरियाज हैं जहाँ पे घूम सकते हो, एक वन डे ट्रिप अपनी फैमिली के साथ बना सकते हो। एंड उसमें ये वन ऑफ द प्लेस है अग्रोहा धाम। तो हम लोग यहाँ आए थे और हमें पड़ा ये टोटल ओवरऑल 3.5 घंटे का सफ़र था, जिसमें हमने बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक भी लिया था, ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो हमें ओवरऑल 4 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत सुंदर अग्रसेन महाराज का मंदिर है, साथ ही साथ कुछ गुफाएं इन लोगों ने बनाई हुई हैं, जहाँ पे आप ये गुफाएं साइड में, मतलब आर्टिफिशियल गुफाएं हैं, वो विज़िट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक पार्क एरिया दिया हुआ है जहाँ पर कुछ झूले लगे हुए हैं, कुछ झांकियां हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हो। तो पहले आप देख सकते हो कि मंदिर यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। तो ये मंदिर आप अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स आपको यू नो गुड़गांव विज़िट करने लेकर आए हैं एंड वो ज़्यादातर मॉल्स जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो ये वन ऑफ द प्लेस है जहाँ आप उनको लेकर जा सकते हो दर्शन कराने के लिए। तो एक अच्छा फैमिली आउटिंग आपके लिए बन जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं गुफाओं की तरफ। तो बहुत लंबी गुफा थी, बहुत ही मतलब डीप, पूरा उन्होंने पूरा घुमा के सीढ़ियाँ इतनी सारी और इस तरह से गुफाएं बनाई हुई हैं। और हर गुफा में स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, जैसे पहले मतलब तिरुपति बालाजी पड़ेगा, फिर ऐसे करके पहले मतलब शिव जी की एक शिवलिंग पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एंड साथ ही साथ वैष्णो देवी की भी गुफा इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि आप विज़िट कर सकते हो। ये मंदिर से ही लगी हुई है, मतलब इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के साइड में ही ये सारी गुफाएँ बनी हुई हैं जो आप विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो।